ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ट्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक सामान्य सा विद्यार्थी आईएएस का फॉर्म भरने से लेकर आईएएस बनने तक का सफर को पूरा करता है। अर्थात कोई भी एक एस्पिरेंट्स, कोई भी एक आकांक्षी जो कि सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, वो किस प्रकार फॉर्म भरने से लेकर जो है एक कलेक्टर या डीएम बनने तक या फिर आईएएस बनने तक की उसकी जर्नी क्या होती है। देखिए, जर्नी अगर आप यात्रा देखेंगे इस जर्नी में, तो सर्वप्रथम आपको मैं बता देता हूं कि फरवरी या मार्च में इसका फॉर्म निकलता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म। आपको फॉर्म निकलने के बाद 10 या 15 या 20 दिन का आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप इतने समय सीमा में आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई करें। अब जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो आपका बहुत सारे चीज जैसे शैक्षणिक योग्यता वगैरह, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, एज, नाम, फादर्स नेम या जितने भी जो भी चीज फॉर्म में जैसे हर एक परीक्षा में फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार इसका भी फॉर्म भरा जाता है, सेंटर वगैरह चूज करने का होता है। तो आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो है इसकी एग्जामिनेशन जो है वह लगभग जून में होता है। हर एक जो है कह सकते हैं साल का जो ट्रेंड है प्रीवियस ईयर का, मैं यही देख रहा हूं, भले COVID-19 के कारण कुछ एक्सटेंड कर दिया गया हो, लेकिन अगर प्रीवियस 5 से 8 सालों का देखेंगे तो जून में इसके प्रारंभिक परीक्षा लिया जाता है। ये हो गया। अब जून में प्रारंभिक परीक्षा हुआ, इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा जो है वह है अक्टूबर या नवंबर में होता है, ठीक है जी। और अक्टूबर या नवंबर में होने के बाद जो हमारे एक साक्षात्कार रहता है वह फरवरी से लेकर या जनवरी फरवरी मार्च में होता है, ये जी हो गया। तो ये पूरी के पूरी जर्नी है, और इस जर्नी के अंतर्गत जो है मैं 3 स्टेज आपको बता ही दिया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जाम और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, ठीक है जी। सीसैट का क्वालिफाइंग होता है और जीएस का पेपर जो होता है वह जो है कट ऑफ निकलता है मेंस के लिए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। ये क्लियर हो गया। और इसके जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है जी। इसमें बस क्वालिफाई करना होता है, इसके भी मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होते। और तो और इसके बाद एक निबंध का पेपर, एसी का पेपर होता है, 4 जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 और 4। फिर हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे सब्जेक्टिव इन नेचर, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है जी। इसके जो है अंत में जो है हमारा एक साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। तो इन 3 स्टेज से गुजरने के बाद आप एक आईएएस के रूप में जो है एक सफल कैंडिडेट के रूप में अगर आप मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं और उस कट ऑफ को पार कर पाते हैं जिसमें कि रैंक निर्धारित किया जाता है, तब आप एक सफल कैंडिडेट के रूप में उभरेंगे। और जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनते हैं, इसके लिए कम से कम आईएएस के लिए आपको सामान्य सा विद्यार्थी आपको टॉप 100 में लाना होगा। आईपीएस वगैरह के लिए भी आपको मान के चले टॉप 200 या टॉप 300 तक, या फिर आईएफएस वाले के लिए भी टॉप 200 तक। लेकिन जितने भी कह सकते हैं सामान्य विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं, और जितने भी कह सकते हैं कि जनरल वालों को तो हो गया, जो एससी एसटी ओबीसी रहते हैं उनको रिजर्वेशन के आधार पर थोड़ा उनका रैंक आगे पीछे भी रहता है तो चलता है, वह जो है कमीशन हर साल अपने हिसाब से तय करती है। तो यह हम इस वीडियो में आज हमने जाना कि आखिर कैसे एक विद्यार्थी फॉर्म भरने से लेकर एक आईएएस तक का जो है उनकी जर्नी कैसी होती है, और किन किन परीक्षाओं से गुजर कर वह आईएएस बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है जी। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।